दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि दबंग खान बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार हैं, यानी कि भैया उनकी फिल्में जब सिनेमा घर में आती हैं तो कई सारे रिकॉर्ड खुद ब खुद बन जाते हैं। चाहे उनकी फिल्म की कहानी कितनी भी थकी हो, उनकी फिल्म खेलते खेलते 100 करोड़ का बिजनेस कर लेती है और हंसते हंसते वो फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाती है। यानी कि भैया दबंग खान का फैन फॉलोइंग इतना स्ट्रांग है कि भाई उनकी फिल्म को लोग बहुत प्यार से देखने जाते हैं, बस ये सोचकर कि भैया ये फिल्म दबंग खान की है। यानी कि भैया आज के डेट में दबंग खान का बॉलीवुड में क्या रुतबा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मैं आपको दबंग खान के उस सपने के बारे में बताऊंगा जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ। और भाई उनका ये सपना आज तक तो अधूरा है, लेकिन भैया बॉलीवुड के दिवंगत कलाकार यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म से वो सपना उनका तो पूरा हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े भैया बॉलीवुड के दिवंगत कलाकार यानी कि सुशांत सिंह राजपूत से, उसके साथ बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान से, और उसके साथ भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि AR रहमान से। तो दोस्तों अगर मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं और फिल्म इंडस्ट्री के सभी सुपरस्टार्स की बात करूं तो भैया उनकी एक ही तमन्ना होती है कि भैया उनकी आने वाली फिल्मों का म्यूजिक अगर कोई दे तो भैया AR रहमान दे। यानी कि भैया अगर उनकी फिल्म को म्यूजिक AR रहमान देंगे तो उनको पता है कि भैया उनकी फिल्म को हिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यानी कि भैया AR रहमान के म्यूजिक में इतना दम होता है कि भाई अगर फिल्म की कहानी कमजोर भी हो तब भी लोग AR रहमान के गाने को देखने के लिए सिनेमा घर तक पहुंच जाते हैं। और इसी वजह से बॉलीवुड के या फिर टॉलीवुड के सभी स्टारों का यह सपना होता है कि भैया AR रहमान उनके फिल्मों के लिए म्यूजिक दे। और सबसे बड़ी बात बताओ तो भैया AR रहमान सभी फिल्मों के लिए म्यूजिक नहीं देते हैं, यानी कि भैया वो अपने मनपसंद फिल्मों को ही म्यूजिक देते हैं जिनका कहानी उनको पसंद आता है। तो दोस्तों आज आपको मैं एक किस्सा बताऊंगा सलमान खान का जो कि हुआ था भैया 2012 में, यानी कि भैया एक फंक्शन के दौरान जब सलमान खान और AR रहमान आमने सामने आए थे तो कुछ ऐसा माहौल वहां देखने को मिला था जिसको देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया था कि भाई किस तरीके से AR रहमान ने सलमान खान को इग्नोर कर दिया। यानी कि भैया सलमान खान AR रहमान से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं लेकिन AR रहमान उनसे अपना हाथ नहीं मिलाते हैं। और भाई उसी इवेंट के दौरान में सलमान खान ने AR रहमान से कहा था कि भाई मेरी बहुत दिनों से तमन्ना है कि आप मेरे फिल्म के लिए म्यूजिक करें, तो भाई मेरी ये तमन्ना कब पूरी होगी? तो भाई वहीं पर AR रहमान ने बहुत ही आराम से ये बात कह दी थी कि भैया जब आप मेरे पसंद की फिल्मों में काम करने लग जाएंगे तो मैं आपकी फिल्म में म्यूजिक जरूर दूंगा। यानी कि भैया AR रहमान को ऐसा लगता है कि भाई सलमान खान की जो फिल्में होती है वो उनकी पसंद से हटकर होती है और इसी वजह से आज तक सलमान खान का ये सपना पूरा नहीं हुआ। और वहीं पे अगर हम बात करें बॉलीवुड के दिवंगत कलाकार यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की तो भैया आज वो भले हमारे बीच नहीं है लेकिन भैया उनकी आने वाली आखिरी फिल्म का हर एक म्यूजिक हर एक गाना खुद AR रहमान ने तैयार किया है। यानी कि भैया जो सपना आज बॉलीवुड के हर एक सितारे का होता है वो सपना सुशांत सिंह राजपूत का पूरा हो गया उनकी आखिरी फिल्म यानी कि दिल बेचारा से। यानी कि भैया दिल बेचारा में AR रहमान ने म्यूजिक दिया उनके फिल्म के लिए और आज तक आप सोचिए कि भैया सलमान खान का ये सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आज जब दिल बेचारा का टाइटल ट्रैक सामने आया तो उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है भैया कितने सारे रिकॉर्ड बने हैं, क्योंकि भैया सारे के सारे म्यूजिक सारे के सारे गाने खुद AR रहमान ने कंपोज किया है बहुत ही प्यार से। यानी कि भैया AR रहमान ने इस फिल्म को लेकर बताया कि भैया उनको इस फिल्म की कहानी इतनी पसंद आई थी कि भैया उन्होंने सोच लिया कि बहुत ही दिल से वो इस फिल्म के लिए म्यूजिक तैयार करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भाई जब ये म्यूजिक बनकर तैयार होगी जब ये फिल्म बनकर तैयार होगी तो भाई इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं वो ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे। यानी कि भैया बहुत ही दुखद खबर है क्योंकि आज हमारे बीच में सुशांत सिंह राजपूत नहीं है, लेकिन आज जब उनकी आने वाली फिल्म का पहला गाना लॉन्च किया गया YouTube पर तो भैया उस गाने को सुनकर हर कोई सुशांत सिंह राजपूत को याद करता नजर आया। यानी कि भाई कई सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं और लोगों को आज भी इस बात का मलाल है कि भाई क्यों नहीं है आज सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा और मेरा नाम है पूजा शर्मा, ये मेरी वाइफ है। दोस्तों आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वर्ण जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है
और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल मैडम आगे बताइए टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वायरल इंजेक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वायरल न्यूज़ जंक्शन को दिया है। दोस्तों, हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।